हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कार गैलेक्सी। सो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे ये दोनों अमेजिंग स्केल मॉडल्स का। ये जो आपको दोनों स्केल मॉडल्स दिख रहे हैं, ये दोनों ही स्केल मॉडल्स जो रॉयल एनफील्ड की बुलेट बाइक आती है उनके ये स्केल मॉडल्स हैं। सेंटी टॉय कंपनी ने इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से यहाँ पे डिज़ाइन किया है, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे डिटेलिंग वर्क भी किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इनका एक डिटेल रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि इसमें कैसे क्या क्या डिटेलिंग वर्क हुआ है। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम पे भी एक पेज है कार गैलेक्सी 0025, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आप हमें यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम काफ़ी सारा अपडेट देते रहते हैं। और अगर आप अपने कोई स्केल मॉडल को मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं या रेस्टोरेशन कराना चाहते हैं, कोई डिटेलिंग वर्क आप अपने स्केल मॉडल पर कराना चाहते हैं, तो भी आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको हम कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए। तो करते हैं आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी प्रीमियम लगती है और अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पर आपको सेंटी का लोगो दिख जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ पीछे जो ग्राफिक्स बनाया गया है, यहाँ पर ट्रीज़ वगैरह, माउंटेन्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट बाय सेंटी टॉयज आपको यहाँ पे इजीली लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद 2-in-1 डिज़ाइन यहाँ पे लिखा, और ये क्यों लिखा है वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। और जो ये पैकेजिंग की जो क्वालिटी अगर मैं बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया है, क्योंकि इससे क्या है कि हमारा जो स्केल मॉडल है सेफ रहेगा और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, मजबूत है। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको दबाऊं तो इतना इजीली दब नहीं रही है ये, तो हमारा जो स्केल मॉडल है सेफ रहता है। और जो पैकेजिंग है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को पैकेजिंग। तो अभी हम इसको अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद मैं आपको इनका डिटेल रिव्यू दूंगा। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. सो गाइज, यहाँ पे अभी हमने इन दोनों स्केल मॉडल्स को अनबॉक्स कर लिया है, और पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मेरे को लगे। जैसे ही मैंने इनको अनबॉक्स किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इनका जो डिटेलिंग वर्क है काफ़ी पसंद आया, काफ़ी बढ़िया है। और जो यहाँ पे कलर वगैरह है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शाइनी, यहाँ पे ग्लॉसी पेंट सेंटी टॉय ने यूज़ किया है, और देखने में स्केल मॉडल्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो 2-in-1 लिखा था, अभी आपको इसमें दो टायर दिख रहे होंगे यहाँ पे लगे हुए, तो इनको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। हमें पैकेजिंग के अंदर ही यहाँ पे एक और पार्ट मिला है, तो अभी इस वाले को मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। इसको हम लगा देंगे और ये जो दोनों टायर्स हैं ये हट जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि बाइक को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक मिलेगा। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until. तो गाइज़, यहाँ पे हमने अभी जो हमें आपको दूसरा वाला पार्ट दिखा रहा था उसको यहाँ पे हमने लगा दिया, अटैच कर दिया। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें ना साइड में टायर्स नहीं है, ये सिंपली यहाँ पे एक नीचे कवर है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो हमारी बाइक है वो उसको स्टैंड लगा के हम ईजिली यहाँ पे ऐसा खड़ा कर सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। और वो वाला पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा वो पार्ट जो सेंटी टॉयज की नॉर्मल कार्स में पीछे इंजन की तरह आता है ना, ये सेम वो यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे मशीन गरारी वगैरह। तो यहाँ पे ये पार्ट ऐसे लगा रखा था, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे फिट हुआ हुआ था। तो इससे ज़्यादा अच्छा मेरे को ये वाला लग रहा है, जैसे नॉर्मल एक्टिवा में भी हमने देखे थे जो एक्टिवा के स्केल मॉडल्स आते हैं सेंटी टॉय की, सेम चीज़ उसमें भी थी और सेम चीज़ यहाँ पे सेंटी टॉय ने इसमें भी दी है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे ऐसे ये जो स्केल मॉडल्स हैं हमारे और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। सो गाइज, अब मैं आपको इसका एक डिटेल रिव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करेंगे, और फ्रंट प्रोफाइल से जो हमारी बाइक है कुछ ऐसी दिखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी रियलिस्टिक लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे इसका जो हैंडल है आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे नॉर्मली टिल्ट होता है, आराम से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है, कुछ भी अटकता नहीं है, काफ़ी स्मूथ है। आपको यहाँ पे हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पे दो इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे नंबर प्लेट वगैरह हर एक चीज़ की यहाँ पे जगह बनाई गई है।
की है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका फ्रंट का मडगार्ड होता है ये भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे डिज़ाइन किया है, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये टायर देखने को मिलेगा, टायर का जो ये रबर क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा मेरे को प्रीमियम लगी, काफ़ी बढ़िया है। अलॉय व्हील्स भी यहाँ पे क्रोम कलर में दिए हैं तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड वाली जो बुलेट है उनमें आते हैं। सेम यहाँ पे आपको देख जाएंगे अलॉयज जो कि हम लोग आफ्टर मार्केट में लगवाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये वाली जो एक्सेसरी है जो नॉर्मल बुलेट्स में आती है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मेरे को लग रही है। ये भी क्रोम एकदम शाइनिंग में है। उसके बाद अगर हम साइड प्रोफाइल से बाइक में आपको दिखाऊँ तो साइड प्रोफाइल से बाइक कुछ ऐसी लगती है, और पर्सनली मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लग रही है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे इसमें जो डिटेलिंग वर्क है वो किया है, वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बाइक लग रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे सिल्वर क्रोम में दिया है, जो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे गियर वगैरह छोटी से छोटी यहाँ पे डिटेलिंग जो है सेंटीटॉय ने काफ़ी बढ़िया से यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा गियर वगैरह सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे आपको ये हॉर्न भी देखने को मिलेगा, ये ब्लैक कलर का जो है। रियल बुलेट्स आती हैं जो रियल रॉयल इनफील्ड की बुलेट्स हैं उनमें भी सेम यहीं पे हॉर्न की जो प्लेसमेंट होती है सेम यहाँ पे भी वैसी दी गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे बॉक्स वगैरह सब देख जाएंगे जो कि रियल बुलेट में आते हैं, सेम आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसका जो स्टैंड है मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे मूवेबल है, अगर हम चाहें तो इसको ऊपर भी कर सकते हैं तो बाइक हमारी जो है वो आराम से ऐसे यहाँ पे चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। और जब हमें इसको खड़ा करना है तो आराम से ध्यान से हमें इसको ऐसे नीचे कर देना है और हमारी जो बाइक है उसका स्टैंड लग जाएगा और ये ऐसे खड़ी हो सकती है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती है। जैसे तो हमारी जो प्रोफाइल है बाइक की वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। सबसे ज़्यादा मेरे को जो इसके अट्रैक्टिव लुक पीछे से लग रहा है वो मेरे को इसके जो टेल लाइट और ये इंडिकेटर्स हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, जैसे कि रियल बुलेट में आते हैं क्लासिक वाली जो बुलेट है सेम यहाँ पे उसी का यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया लग रही है। उसके बाद यहाँ पे DLS 007 और इंडिया का हमारा यहाँ पे जो भी लोगो वगैरह है सब कुछ यहाँ पे दिया है, जैसे नंबर प्लेट्स में आता है तो वही सेम यहाँ पे बनाया गया है और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लग रही है। उसके बाद इसकी जो सीट्स हैं, अगर मैं आपको इसकी सीट्स दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा काफ़ी रियलिस्टिक है, यहाँ पे मैं एक बार आपको पास से दिखा देता हूँ तो ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लग रही है। और ये जो लेदर वाली सीट्स आती है ना रियल बुलेट्स में, उसमें सेम यहाँ पे ऐसे पाइपिंग वगैरह सब दी जाती है और यहाँ पे जो भी डिटेलिंग होती है सेम यहाँ पे भी दी गई है। उसके बाद इसका जो टैंक है ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रियलिस्टिक है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आप शाइन देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, स्केल मॉडल का जो कलर है काफ़ी ज़्यादा शाइनी, यहाँ पे जो ग्लॉसी कलर है वो यूज़ किया गया है। उसके बाद इसका स्पीडोमीटर आपको दिख जाएगा, ये यहाँ पे ये स्टिकर है, यहाँ पे स्टिकरिंग करी गई है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद इसके ये हैंडल्स वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ईजिली देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद अगर मैं आपको बाइक इस तरफ से दिखाऊँ तो यहाँ से बाइक काफ़ी बढ़िया लगती है, यहाँ पे हमें बाइक का साइलेंसर देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे किक भी देखने को मिलेगी, एक बारी मैं आपको पास से दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंजन वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा रियल लग रहा है मेरे को, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सेंटीटॉय ने काम किया है। उसके बाद पीछे का भी जो ये मडगार्ड वगैरह सारी चीज़ें आपको बढ़िया से यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और नीचे पे जो हमने ये कवर लगाया था आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेंटीटॉय यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे प्रॉपर स्क्रू से फिट हो जाता है तो इसका भी कोई ऐसा टूटने का चांस नहीं रहता है। और ओवरऑल जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और थोड़ी सी हैवी लग रही है क्योंकि प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, साइज़ में भी काफ़ी थोड़ी ये बड़ी है तो इसलिए थोड़ी सी हैवी है पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पर्सनली मेरे को सेंटीटॉय का ये वाला जो बुलेट का स्केल मॉडल है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा है। ऐसे ही सेम जो रॉयल एनफील्ड की बुलेट है उसका ऑफिशियल एक जो स्केल मॉडल है वो भी आता है, तो वो भी आपको हमारे चैनल पे अभी आगे देखने को मिलेगा बाद में। पर ये वाला भी जो स्केल मॉडल है मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो अब एक बारी मैं आपको ब्लैक वाला भी दिखा देता हूँ, ये जो ब्लैक वाला है ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। सेम जैसे मैंने उसमें आपको प्रोफाइलिंग दिखाई सेम यहाँ पे भी आपको प्रोफाइलिंग देखने को मिल जाएगी, इसमें यहाँ पे क्रोम वगैरह में दिया है, इंजन वगैरह स्टैंड सब कुछ चीज़ें इसमें भी सेम है, पीछे के आप टेललाइट वगैरह सब देख सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़ जैसे इसमें है वैसे ही सेम ये वाला है। यहाँ पे बस इसमें क्रोम एडिशन दिया हुआ है क्योंकि ये ब्लैक कलर में है और उसमें आपको ब्लैक कलर में एडिशन देखने को मिल जाएगा। और इसका भी जो हैंडल है वो भी आराम से यहाँ पे टिल्ट होता है, मूव होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसका भी जो कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी है और ये वाली भी मेरे को जो स्केल मॉडल है काफ़ी ज़्यादा ये जो बाइक है मेरे को बढ़िया लग रही है। और ये जो दोनों ही स्केल मॉडल है ये भी हमने रिसेंटली ही परचेज़ किए हैं, एक से दो दिन पहले ही हमने इनको परचेज़ किया है, ऑफलाइन मार्केट में परचेज़ किया है क्योंकि ऑनलाइन में हमें कलर का थोड़ा डाउट रहता है
और ये दोनों कलर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। एक बारी मैं आपको दोनों स्केल मॉडल्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ पे दोनों ही स्केल मॉडल्स बिल्कुल सेम है, कोई भी आपको यहाँ पे फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा और दोनों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी अमेजिंग है। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही अपने चैनल पे कंटेंट लाते रहते हैं और अभी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा इंस्टाग्राम पे भी एक पेज है, कार गैलेक्सी 0025, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आप हमें यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम काफ़ी सारा अपडेट देते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।